अभाव में लगे हुए बच्चों के प्राणों को बचा लिया। भक्त प्रहलाद ने देखा, झपट के कुम्हारी के चरणों में गिर पड़ा और भक्त प्रहलाद कहने लगा कि हे माँ, मैं कितना अंधेरे में था, मैं कितना भूल में था, मैं अपने पिता को परम पिता समझता था, लेकिन आज मुझे तुमने ज्ञात करा दिया कि सच में इस दुनिया में परम पिता परमात्मा कोई और है। हे माँ, जिस तू परमात्मा का नाम लेती है, जिस परमात्मा का तू नाम लेती है, आज से मैं ये प्रण करता हूं उसी परमात्मा का मैं नाम लूंगा। उस कुम्हारी को अपना गुरु बना करके भक्त प्रहलाद वहां से वापस लौट गए और उसी नाम का जाप दिन रात करने लगे। धीरे 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 चलते बैठते खाते पीते केवल नारायण नारायण हरि नारायण हरि, बस यही नाम का गुणगान करते हैं। एक बार हिरण्यकश्यपु ने देखा, हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया और कहने लगा, बेटा प्रहलाद इधर आओ। जवाब दिया, क्या हुआ? प्रहलाद पूछने लगे, पिताजी आज इतने प्यार से क्यों बुला रहे हैं? तो पिता ने जवाब दिया, बेटा मैं इसलिए बुला रहा हूं, तुम किसका नाम ले रहे हो? बोले, भगवान का। हिरण्यकश्यप कहने लगा, भगवान का नाम ले रहे हो? ये भगवान नहीं है, ये तुम्हारे चाचा का शत्रु है, दुश्मन है, जिसका तुम नाम लेते हो। आज से इस नाम को बिल्कुल नहीं लेना और मैं तुम्हारे होठों पर ये नाम देख भी ना लूं। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी अब जीते जी तो ये नाम नहीं छूटेगा, जीते जी तो नहीं छूट सकता है, मरने के बाद भले ही छूट जाए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्या कहा, इस नाम को नहीं छोड़ोगे? बोले, नहीं पिताजी, कुछ भी कर डालो लेकिन मैं इस नाम को नहीं भूल सकता। इतना ही नहीं, हिरण्यकश्यप ने जल्लादों को बुलाया और जल्लादों से कहा कि ले जाओ इसको और बहुत बड़े ऊंचे पर्वत से गिराना, इसकी हड्डी पसली टूट जाए। लेकिन भगवान ने वहां से भी गोद में उठा लिया। इतने इतने यंत्र किए, खुद भी किए, पानी में फिकवाया, वहां से भी प्रहलाद बच गया। मदमस्त हाथी से कुचलवाया लेकिन हाथी ने एक भी पैर भक्त के ऊपर नहीं रखा। अंधेरे कमरे में बंद किया जिसमें सर्प छोड़ दिए थे, वो सर्प प्रहलाद के गले में ऐसे लिपट गए मानो फूलों का हार डला हो। 5 दिन हो गए उस कमरे को नहीं खोला गया, भक्त प्रहलाद उसी कमरे में बंद है। इधर मैया लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि प्रभु तुम्हें अपने भक्तों की जरा भी फिक्र नहीं है, भक्त तुम्हारा 5 दिन से कैसे कैद है, कैदियों की तरह, और तुमने जाकर के नहीं देखा? भगवान कहने लगे, देवी जरा देख के आओ पहले, मैं प्रतिदिन उनके लिए 56 प्रकार का भोजन भेजता हूं। मेरा भक्त उस अंधेरे कमरे में 56 प्रकार का भोजन खाता है और वो सर्प गले में लिपटे जरूर है लेकिन प्रहलाद को ये एहसास नहीं होता कि मेरे गले में सर्प लिपटे हैं। क्या मुझे अपने भक्तों की इतनी फिक्र नहीं है? और तुम जानती हो कि मैं हमेशा भक्तों के ही कारण इस धराधाम पर आता हूं, तो मेरा कोई दूसरा रीजन ही नहीं है, तो फिर मैं अपने भक्तों को दुखी क्यों देखूंगा? कहने लगे भगवान, देवी भाति
नचाया। नचायो भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो। लोक लाज तज मुझे चिंता नहीं है, अपनी अपनी परवाह नहीं है। मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मुझे अपने सम्मान से बढ़कर अपने भक्त के सम्मान की चिंता है। मेरा अपमान हो जाए मुझे चिंता नहीं, पर मेरे सामने अगर मेरे भक्त का किसी
किसी ने अपमान किया तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है।